हाय एवरीवन, सुनीला प्राउड पहाड़ी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं चीड़ के पत्तों से बने कुछ पहाड़ी कल्चर के झाड़ू एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है पवन राजपूत, उन्होंने कल वाली वीडियो देखी थी मेरी और बताया था कमेंट में कि मैम आप 11 मिनट और 40 सेकंड में उस वीडियो में आपने बताया था कि मैं झाड़ू बना के दिखाऊंगी, तो आप भूल गए। तो पवन जी, मैं झाड़ू बनाना भूली नहीं है। मैंने उस वीडियो में एंड में ये भी बताया था कि घर जाके मैं झाड़ू बनाऊंगी, तो आज मैं झाड़ू बना रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारे हिमाचली कल्चर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो पाई, वो सिर्फ हमारे गांव तक ही सीमित हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करूँ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो इस छोटी सी इंट्रो के साथ। तो फ्रेंड्स, ये है वो चीड़ के पत्ते जो आपने कल वाली वीडियो में भी देखे होंगे, और मैंने उसमें बताया था कि ये हमारे हिमाचली कल्चर में काफ़ी शुभ माना जाता है। और हमारे बाड़ होती है जहाँ खाना भी खाते हैं और खाना भी बनाते हैं चूल्हे में, पुराने जो रसोई घर होता है, तो चूल्हे के इर्द गिर्द सिर्फ इसी से ही झाड़ू मारा जाता है। दूसरे वाला झाड़ू है वो वहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। और ये लिपाई के लिए भी करते हैं और चूल्हे के आसपास भी इससे झाड़ू माना जाता है। इसे बहुत सूचा माना जाता है, सूचा यानी कि शुद्ध माना जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये इसलिए लाया है क्योंकि यहाँ पे अभी धूप आने वाली है। ये देखिए, थोड़ी धूप आने वाली है और फिर मैं यहाँ पे बैठ के धूप में झाड़ू बनाऊंगी। और जब तक धूप आती है तो तब तक मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ के कुछ फोटोज़। ये यहाँ पे मेरा बेटा है, ये वाला शेड पड़ रही है रेड। और ये हमारे स्कूल का फ़ोटो है, यहाँ बीच में मैं हूँ और ये बच्चे हैं, और इसके साथ ही नीचे का हमारा जो स्कूल का स्टाफ है उसकी फ़ोटो है, और मैं यहाँ पे हूँ मैं, और उसके साथ ही स्कूल के क्लास के साथ है, पर ये हूँ मैं। तो ये है छोटा बेटा, छोटा बेटा है, और इसके साथ ही नीचे है, और ये है मेरा बड़ा बेटा, और ये हम दोनों हैं। और ये है, ये देखो मेरा बेटा, ये है। तो हमने अभी ऐसे ही रखा है इसको क्योंकि अभी ऑन कंस्ट्रक्शन पे ही है ये, तो हमने ऐसे ही अभी एडजस्ट नहीं किया है पूरी तरह से। तो इसके साथ ही मैं दिखाती हूँ आपको एक मेरा छोटा सा मनी प्लांट जो मैंने अभी धूप में रखा था, धूप चला गई है। और मैं अभी ज़्यादा छेड़छाड़ तो नहीं करूँगी क्योंकि अभी ये छोटा सा प्लांट है, अभी न्यू ग्रोइंग प्लांट है ये। और फ्रेंड्स, इसके पीछे भी कुछ स्टोरी है, तो वो मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊँगी कि मैंने किस तरह से एक होटल से इसको चुराया था। तो अब देखते हैं कि धूप आई है कि नहीं। और जो ये है, ये छोटी सी कुदाली मैंने रखी है इसको गुड़ाई करने के लिए, तो ये यहाँ पे है। और फ्रेंड्स, यहाँ मेरा बेटा सोया होता है, तो मैं यहाँ पे भी बैठ के दिन में धूप सेकती हूँ, फिर यहाँ से धूप चले जाती है और उसके बाद में यहाँ पे बैठ के धूप सेकती हूँ, खाना भी खाती हूँ, और आज मैं यहाँ पे आराम से बैठ के झाड़ू बनाऊंगी। फ्रेंड्स, बिना ट्राईपॉड के बहुत सी दिक्कत होती है, और मुझे अभी बड़ी मुश्किल से कैमरे को सेट करना पड़ा यहाँ पे। कोई बात नहीं, जल्दी ही मेरा ट्राईपॉड भी आ जाएगा। और तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं झाड़ू बनाना। और तो इसके लिए मैंने ये
धागा लिया है, ये बोरी वाला धागा है जो बोरी को बांधते हैं ना जिससे, पर ये जूट का नहीं है, ये है प्लास्टिक वाला, आप जूट का भी ले लेना। और एक सीज़र ली है मैंने, और बाहर मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि बाहर जो वीडियो बनाना है वो इम्पॉसिबल है, लोग देखेंगे इधर उधर से, फिर सोचेंगे कि क्या कर रहे हैं ये, क्योंकि फ्रेंड्स कईयों को तो पता होता है कि यूट्यूब में तो कई ऐसे होते हैं वो कुछ गलत समझ लेते हैं कि ये क्या बना रहे हैं, ये क्या कर रही है, अपने फ़ोटो ले रही है, वीडियो ले रही है। तो इस वजह से मैं बाहर नहीं बना रही हूँ इनको धूप में, अदरवाइज मैंने धूप में बनाना था। तो इसको मैं साइड में रख लेती हूँ क्योंकि इसका मुझे झाड़ू बनाना है, मुझे एक दो लेने हैं यामने के लिए, और इतना प्यारा झाड़ू बनेगा आपने देख लेना किस तरह से एक फ्री वाला झाड़ू बनेगा मेरा। तो इसको मैं साइड में रख, तो फ्रेंड्स जो ये पत्ते हैं अब आप ये देख सकते हैं, मैं इनको इस तरह से अलग करूँगी डंडे से, जो इसकी टहनी है छोटी सी, और ये देखिए इसका फूल, इसका फूल है, फिर इसमें बीज लगते हैं आगे। फ्रेंड्स ये मैं पता नहीं कब बनाया था मैंने, बहुत पहले जब मेरे सास जी की डेथ हुई थी, उसके बाद फिर जो घर की जिम्मेवारी होती है वो पड़ जाती है, तो उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन इतना ज़्यादा देर तक वो नहीं चला क्योंकि ज़्यादा मुझे बनाना नहीं आता था। फिर हमारे एक ताई सास थे जो पिछले साल एक्सपायर हुए हैं, तो मैंने उनसे सीखा ये बनाना, और अब तो मैं बना लेती हूँ चूल्हे वाला झाड़ू भी। जो हमारा चूल्हे वाला झाड़ू होता है वो बिल्कुल डिज़ाइनदार होता है, वो मैं बताऊँगी अभी। अभी मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ बना के, और अब मैंने इन तिनकों को अलग अलग कर दिया है और एक झाड़ू का रूप देने वाली हूँ मैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस सर्कल में इनको रखा है, तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स अब मैं इनको बांधने जा रही हूँ, और ये तो नॉर्मल झाड़ू झाड़ू जैसा ही है जैसे झाड़ू होते हैं। तो मैं जो दूसरा है चूल्हे वाला वो दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से उसको बनाते हैं। देखिए झाड़ू बन गया है, एक झाड़ू किचन के चूल्हे के आसपास के लिए, और जो गैस है गैस के इर्द गिर्द भी, इससे मैं झाड़ू मारूंगी। तो फ्रेंड्स अभी बनाऊंगी मैं इसका चूल्हे लेपने वाला झाड़ू, और जिन्हें हम शुंटू कहते हैं, सगालने भी कहते हैं, लेकिन शुंटू ज़्यादा कहा जाता है हमारे पहाड़ी कल्चर में इसको। तो जब बैसाख का टाइम होता है तो उस टाइम हमारे पूरे घर के लिए पाई पुताई करते हैं, तो मेरी बारी भी आई और मुझे ये बनाना नहीं आता था, इसलिए मैं ताई सास के पास गई तो उन्होंने मुझे ये सिखाया। मतलब बता रही हूँ अपने कल्चर के बारे में यहाँ पे, कि हमारे कल्चर में किस तरह से इन झाड़ुओं का यूज़ किया जाता है, तो आप देख सकते हो। एक्चुअली जो हमारे ये वाले झाड़ू हैं जो मैंने पहले, वो नीचे से बांधे जाते हैं, ये थोड़ा ऊपर से बांधे जाते हैं, और थोड़ा सा सेट भी कर देती हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे को करेंगे इसको इस तरह से ये। तो अब स्टार्ट करते हैं हम चूल्हे वाला झाड़ू बनाना। तो फ्रेंड्स इस तरह से बना देते हैं हमारे जो ताइयां वगैरह हैं इनको। तो ये देखिए ये करती हूँ मैं इस तरह से। पता नहीं कैमरे में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा मैंने ऐसे सेट करके रखा है इसको। तो ये बन गया है मेरा, अब मैं इसको बांधने जा रही हूँ। तो बांधूंगी मैं इस स्टाइल से इसको इस तरह से। मैंने तीन दो बना चुकी हूँ मैं, अब ये लास्ट है। और फ्रेंड्स वैसे मुझे डॉक्टर ने मना किया है इस तरह से खिंचाने के लिए, लेकिन आज मैंने बना लिए हैं तो मुझे याद भी नहीं था कि डॉक्टर ने मुझे मना किया है।
झोल लगाने के लिए। अब तो बन चुका है, ये लास्ट है। पता नहीं अब कितनी दर्द होगी रात को। इस तरह से, और इसमें फ्रेंड्स ऊपर से भी कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक ही बाहर को रह गया। ये काफ़ी अच्छा बनाए हैं, पर फ्रेंड्स मैं इतना परफेक्ट नहीं बना पाई जितना हमारे बड़े बुज़ुर्ग बनाते हैं, जितनी हमारी सास जी वगैरह बनाते थे। चलो फिर भी अपना कल्चर है, सीखा हुआ है, कभी ना कभी तो सफाई आएगी ही इसमें, क्योंकि ये मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ अभी, पर अच्छी आई है सफाई इसमें। ठीक है, ये देखिए। और फ्रेंड्स जो ये है इसको हम कूटेंगे ताकि ये जो बाहर का है ये हार्ड सा ये निकल जाए, और फिर ये अंदर से भी इसी तरह से सॉफ्ट बन जाता है। तो इसको पहले हमें उबालना पड़ेगा, फिर उबाल के कूटना पड़ेगा, बिल्कुल इसको निकालना पड़ेगा ये वाला, और फिर ये सॉफ्ट बन जाएगा ब्रश की तरह। बॉयल इसलिए करते हैं ताकि ये काफ़ी टाइम तक चले। तो अब बारी आती है रूम वाले झाड़ू की। तो मैंने ये पाइप लिया है, ये वाला पाइप इस तरह से, और इनको मैं इस तरह से इंसर्ट करूँगी अंदर की तरफ इसमें। तो इस पाइप में मैं इसको ऐसे डालूँगी, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये बहुत टाइट बन गई है, और अब इसमें जो झाड़ू है वो बड़े इजीली लगा सकते हैं हम झाड़ू, ये देखिए। और ये याद दिलाता है, एक बाज़ार में भी मिलता है इस तरह का झाड़ू जो प्लास्टिक का होता है, सेम ऐसा ही होता है, और कलर भी उसका इसी तरह से होता है। तो वो क्या होता है कि थोड़े से दिन के बाद वो फिर पुराना हो जाता है, और उसके जो तिनके उसके, तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे हम बेड के नीचे झाड़ू मारते हैं तो जो बेड से रुई से निकलती है ना नीचे से, तो वो उसमें फंस जाती है। और जो ये वाला झाड़ू है इसमें वो फंसती नहीं है। और ये मैंने सारा गंद यहाँ पे जो भी पड़ा था ये वो झाड़ू का, वो यहाँ पे मैंने रख लिया है, अब मैं इसको उठाऊँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने चीड़ के पेड़ों के पत्तों से ये तीन टाइप के झाड़ू बनाए हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो को यहीं क्लोज करती हूं। तो बताएं कैसी लगी आपको मेरी ये आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और हाँ जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।